नजर दीदार मुशताते हैं नजर बहर दीदार मुशताते हैं नजर बहर दीदार मुशताते हैं हरे नजर दोनों आलम के सरकार आ जाए ते हैं है नजर दोनों में सरकार आ जाइए बहर दीदार मुशताते हैं नजर दोनों में सरकार आ जाइए बहर दीदार मुशताते हैं हर नजर तो आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है चांदनी रात है और पिछला पहर चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाए नारे तकी आप उठे जुबान खुले नारे का इस्तेमाल करें नारे तकी भूखे आए क्या खाना उन्हें नहीं खाए अगर खा पी कर आए तो जरूर नारे का जवाब दे नारे तकी नारे रिसालत दस्तके आला हजरत सीरत मुस्तफा व फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस सर जमीन खुदा बनी शायर इस्लाम हजरत शाहनवाज हसन नारे तकी नारे रिसालत चांदनी रात माइक बंद कर दीजिए चांदनी रात गए और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाए चांदनी रात और मौसमी साहब कायदे अहले सुन्नत के ऐसी जात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं जिन्होंने अमेरिका में जाकर मसलक आला हजरत का नारा लगाया सादिक आप पढ़े आप कायदे अहले सुन्नत जब ये कलाम पढ़ते थे उनके साहिबजादे कहते हैं कि हमेशा रोते रहते थे सिदरतुल मुंतहा सुभान अल्लाह यार कहां पढ़ रहा हूं यार इससे कम आशिकों का दिल होना चाहिए सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे इरम हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम बस आप इशारा देखे सुभान अल्लाह के सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे इरम हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम या रसूल अल्लाह अब तो एक बार अपने गुलामों के घर अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए अब तो एक बार और कायदे ने सुन्नत के शेर लिखते हैं सारी बात सुनेंगे अच्छा लग रहा है राहत में होता है अच्छा लग रहा है जब कोई बात अच्छी लगे तो क्या कहना चाहिए रब प्यार से कहिए सुभान अल्लाह आखिरी वक्त है एक बीमार का या रसूल अल्लाह सारे मैं सुने आखिरी वक्त है एक बीमार का दिल मचलने लगा शौक दीदार का आखिरी वक्त है एक बीमार का
का शौक दीदार का दिल मचलने लगा, शौक दीदार का या रसूल अल्लाह कुछ न जाए कहीं ये चराग़े सहर, बुझ न जाए कहीं ये चराग़े सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाए, बुझ न जाए कहीं ये चराग़े सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाए, बुझ न जाए नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहरे हिंदुस्तान शाहनवाज आसान उड़ीसा और खामोश मजमा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, कोई जरूरी नहीं कि लोग बहुत हंगामा करते हैं, तो एक मिनट लगता है मुझको आपको आसमान तक पहुंचाने का, मैं ऐसा हिंदुस्तान का शायर, एक मिनट लगता है मुझको मजमे को खड़ा करने का, वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह अगर मेरा मूड बन गया। आपके मुड से नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने मूड से पढ़ता हूँ। शाम में गुर्बत है और शहर खामोश है, शेर समझने के लिए भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं? जो पढ़े लिखे लोग बैठे कम से कम आप इनको देख के तो कहते सुभान अल्लाह। शाम में गुर्बत है और शहर खामोश है, एक वर्ष अकेला कफन पोश है, शाम गुर्बत है और शहर खामोश है, एक अरशद अकेला कफन पोश है, एक अरशद अकेला कफन पोश है, खौफ की है घड़ी वक्त है बुल खतर, खौफ की है घड़ी वक्त है बुल खतर, दोनों आलम के सरकार आ जा, वक्त है पुर खतर, दोनों आलम के सरकार, दोनों आलम के सरकार, बहुत खजूर लोग मेहनत नहीं करूंगा मैं, इश्क रसूल में पढ़ूंगा। हाय हाय कहते हैं सुभान अल्लाह। अभी हजरत सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कोई कुत्ता है हरामी है इंडिया में जो नरसिंहानंद के नाम से जानते हैं लोग, ये हरामी हुजूर की शान पे बता है, और उसके साथ साथ उसी की औलाद वसीम रिजवी आया, रजवी नहीं रिजवी, ये हरामी भी सरकार की शान पे गुस्ताखियां कुरान की शान पे करता है। लेकिन सिर्फ सरहद पार पाकिस्तान वाले नहीं नारा लगाएंगे, जब आका की बात आती चाहे हिंदुस्तान हो नेपाल हो, अगर मुसलमान है मेरा भाई। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन हुजूर का दीवाना बैठा रहेगा, मैं एक मतला पढ़ूंगा और आपको कहना है या रसूल अल्लाह, क्या कहना है?